सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के नए बॉस की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस बन गए। सोनिया गांधी ने घर पहुंचकर खड़गे को बधाई दी। सोनिया गांधी ने बड़े आयोजन के निर्देश दिए हैं। बड़े आयोजन के जरिए ही अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे खड़गे। ऐसे में अब अगले 2 से 3 दिन के भीतर कुर्सी संभाल सकते हैं खड़गे। प्रोसेसिंग के तहत खड़गे पहले प्राप्त करेंगे जीत का सर्टिफिकेट। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने औपचारिक घोषणा कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कुल 9385 वोट पड़े, जिनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले। शशि थरूर को 1072 वोट मिले। 416 वोट अमान्य पाए। चुनाव में धांधली के आरोपों पर बोले मिस्त्री, कहा चुनाव में आरोपों को लेकर लिखित में जवाब दिया गया है, आगामी कार्यक्रम की जल्द जानकारी दी जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह भी साफ हुआ कि पहले दलित अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे खड़गे। खड़गे के सामने है चुनौतियों से भरा कांटों का ताज। हिमाचल प्रदेश और गुजरात की चुनावों का सामना करना उनके लिए बड़ी चुनौती। राजस्थान की कांग्रेस में चल रही कलह को भी उन्हें थामना होगा। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति भी बनाना उनके लिए चुनौती, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। वहीं नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने जताया सोनिया गांधी का आभार। शशि थरूर को भी दी अपनी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद कहा। कहा कि चुनाव से कांग्रेस को मजबूती मिली। कांग्रेस ने चुनाव कराकर लोकतंत्र का उदाहरण दिया है। देश में हर संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है। आज ये संविधान खतरे में है। सोनिया गांधी ने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। सोनिया गांधी का कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए नफरत का जिक्र किया कि बीजेपी नफरत फैला रही है। बीजेपी के दौर में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। राहुल गांधी नफरत को मिटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। फासिस्ट ताकतों से हमें लड़ाई लड़नी है। सरकार बातें तो बहुत करती है लेकिन काम नहीं करती। देश तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ सकता। विनाशकारी ताकतों से देश को बचाने की जरूरत। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव पर बोले राहुल गांधी और कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी जहां चुनाव होते हैं। हालांकि एक अलग बात है कि 136 सालों में यह छठी बार था जब कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद का चुनाव पारदर्शी तरीके से होता है। हर कोई कांग्रेस में चुनाव को लेकर सवाल पूछता है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस के खुले और पारदर्शी चुनाव हुए हैं। बीजेपी और अन्य दलों के चुनाव में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं है। हालांकि सवाल यह भी है कि बाकी पार्टियों के अंदर इस तरीके से चुनाव होते भी नहीं। ज्यादातर पार्टियां ऐसी जो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कल तक यह आरोप कांग्रेस पर भी लगता था लेकिन इस आरोप को धोने की कांग्रेस ने कोशिश की। इससे इतर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो मुलायम परिवार के आसपास घूमती है। टीएमसी ममता बनर्जी के परिवार के आसपास घूमती है। आरजेडी लालू प्रसाद के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश सरकार अपने आप में नीतीश के इर्द गिर्द घूमती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। और इस तरीके के कई ऐसे उदाहरण हैं जो देश के अंदर जहां एक पूरी की पूरी पार्टी एक पूरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। अब बात करते हैं गांधीनगर की, जहां डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया डिफेंस स्पेस मिशन और कहा कि अमृतकाल में विकास का नया संकल्प गढ़ा गया है। नए विकास में युवा साहस और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मित्र देशों के लिए सहयोग की कई अवसर भी भारत ने पैदा किए हैं।
डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत की एक झलक है। इस बार का डिफेंस एक्सपो कई मायनों में खास है। इस रक्षा प्रदर्शनी में सिर्फ स्वदेशी कंपनियां 422 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेगा हिंदुस्तान। कल जगह होगी प्रयागराज की और दो आपस में मिलने वाले जो शख्स हैं उनमें से एक है संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें एक तरीके से संघ में दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। कल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे भागवत से मिलने। राजकीय विमान से बमरोली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और वहां से हेलीकॉप्टर से जाएंगे बैठकर बैठक स्थल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट करेंगे प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ। गोहनिया के वात्सल्य परिवार से भी मुलाकात होगी। दोपहर में आएंगे और लगभग एक घंटे रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख के साथ दोपहर का भोजन करेंगे योगी आदित्यनाथ और इसके बाद लखनऊ वापस योगी लौट जाएंगे। वहीं आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का समापन हो गया है। 16 से 19 अक्टूबर तक ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में संघ प्रमुख सहित संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में सामाजिक समरसता और देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस भोले सहित अन्य अखिल भारतीय अधिकारियों ने भी शिरकत की। सभी 45 प्रांतों के प्रांत संघ चालक कार्यवाह और प्रचारक इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। प्रदीप सिंह खरोला बने आईटीपीओ के सीएमडी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन का सीएमडी नियुक्त किया गया। कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं खरोला। 2 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अध्यक्ष का पदभार भी खरोला संभालने वाले। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने खरोला के नियुक्ति को मंजूरी दे दी। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल फारूक अब्दुल्ला पर एलजी मनोज सिन्हा का निशाना। टारगेट किलिंग वाले बयान पर बोले मनोज सिन्हा, कहा कि घाटी में जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। धारा 370 हटाने पर सवाल उठाने वाले आंकड़े देखे। आंकड़ों के मुताबिक हत्या में काफी कमी आई। आतंक के इको सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि 370 की वजह से ये किलिंग हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इस पर अब एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया और कहा कि आंकड़ों को जरा खंगाल लीजिए। धारा 370 हटने के बाद हत्याओं की संख्या में कमी आई है और इसलिए आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि 370 के बाद हालात सामान्य है और जो आतंक का इकोसिस्टम था उसको जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद और जब लग रहा है नेताओं को कि वहां अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब एक एक करके बयान विवादित सामने आ रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान आया। आतंकी की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल और कहा कि आतंकी इमरान बशीर की मौत बड़ा मुद्दा है। इमरान बशीर की मौत की जांच होनी चाहिए। इमरान को पुलिस कस्टडी में मारा गया। महबूबा ने हाइब्रिड आतंकी कहने पर भी सवाल उठाए। और बात करते हैं सत्येंद्र जैन की, जिनको फिलहाल कोई राहत नहीं। कल एक बार फिर से मामले पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका। राव जवानी कोर्ट ने आज 4 बजे तक मामले पर सुनवाई की। कल मामले पर सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज लगभग 5.5 घंटे से ज्यादा समय तक मामले पर सुनवाई। आईएएस श्रीराम वेंकट रमन को कोर्ट से राहत नहीं। सत्र अदालत ने वेंकट रमन को मामले से बरी करने से इनकार कर दिया। वेंकट रमन पर है नशे की हालत में कार चलाने और 2019 में एक पत्रकार को बुरी तरह से पीटने का आरोप है। इन आरोपों के चलते महज 6 दिन ही जिला कलेक्टर रह चुके थे वेंकट रमन। अलपुचा कलेक्टर बनाए जाने को लेकर भी जमकर प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद केरल सरकार को पलटना पड़ा था अपना फैसला। केरल कैडर के 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं श्रीराम
वेंकटरमन। वहीं नागालैंड के डीजीपी को एक्सटेंशन देने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने को कहा। पैनल्स में सुझाए गए नामों पर यूपीएससी 30 नवंबर तक फैसला लेगा। दरअसल आईपीएस टीजे लोंगकुमेर को 27 जून 2018 को डीजीपी नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें पिछले साल दिया गया था एक साल का कार्यकाल विस्तार। इस साल लोंगकुमेर को फिर से 6 महीने का कार्यकाल विस्तार दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी कड़ा रुख अपनाया कि लोंगकुमेर सीएस की अध्यक्षता में हुई एसपीईबी की उस बैठक में भी शामिल थे जिसमें उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई। अब ट्रेन में यात्रियों के सामान ले जाने के लिए मापदंड तय कर दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान निर्धारित लिमिट से ज्यादा सामान मिलने पर जुर्माना लगेगा। प्रति यात्री के हिसाब से निर्धारित की गई है लिमिट। स्लीपर कोच में एक पैसेंजर ले जा सकता 40 किलो तक का सामान। टीयर टू कोच में 50 किलो, फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक का सामान ले जा सकता है। किसी भी यात्री के पास इससे ज्यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना लगेगा। यात्री पर दूरी के हिसाब से रेलवे करेगा जुर्माना तय। 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर लग सकता है ₹600 का फाइन। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए था, इसको जरा फिर समझिए। उल्टा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पैसेंजर स्लीपर कोच के अंदर चलेंगे वो उस क्लास के लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह गंतव्य करते हैं और लंबी दूरी पर, उनके पास सामान ज्यादा होता है। लेकिन उनके लिए जो निर्धारित किया गया वो 40 किलो, टीयर टू के अंदर 50 किलो, फर्स्ट क्लास में 70 किलो सामान ले जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, फर्स्ट क्लास में जो सफर कर रहा है वो कौन होगा जो 70 किलो सामान लेकर जाए। इसको अगर उल्टा कर दिया जाता तो मुझे लगता है ज्यादा यात्रियों को फायदा होता, लेकिन जाहिर है नियम बनाए इसलिए जाते हैं ताकि फायदा कंज्यूमर से ज्यादा उस डिपार्टमेंट को जहां से वो नियम बन रहे हैं। अच्छा, इसको जिसे आप जुर्माना कह रहे हैं इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पर किलो के हिसाब से उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी या पर किलो के हिसाब से हिसाब ले लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो निर्धारित है उससे अगर ज्यादा कोई सामान लेना ले जाना चाह रहा है तो सिर्फ ₹600 का फाइन लगेगा। क्या अगर एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर 40 किलो से ज्यादा होके कोई आदमी 400 किलो लेके जा रहा है तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा? इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। असम में कामाख्या देवी मंदिर के रखरखाव का मामला, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और कहा कि मंदिर में स्वच्छता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने टिप्पणी दी। कुछ लोगों ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी दी। मंदिर परिसर में साफ सफाई न होने की शिकायत की थी। मंदिर की तरफ से कोर्ट में कहा गया, मंदिर की देखभाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विशेषज्ञ निकायों की मदद से की जा रही। अगले साल जनवरी में होगी मामले की अगली सुनवाई। और बात करते हैं चीन का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से सामने आया। सुरक्षा परिषद में चीन ने प्रस्ताव को रोका। ग्लोबल आतंकी की सूची में चीन का वीटो। लश्कर आतंकी शाहिद मसूद को लेकर प्रस्ताव रोक दिया। आतंकी शाहिद को लेकर प्रस्ताव पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया है और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक दिया।